हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गूगल प्ले स्टोर के मैनेज एप्स एंड डिवाइस पेज के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र स्वामी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल राज स्वामी पर। दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर पर एप्स डाउनलोड करने के अलावा और भी कई सारे फीचर्स होते हैं जिनके बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता। आज के इस वीडियो में मैं गूगल प्ले स्टोर के मैनेज एप्स एंड डिवाइस पेज की पूरी जानकारी लेकर आया हूं, तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। अब आपको अपने प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब आपको सबसे पहला ऑप्शन ही मैनेज एप्स एंड डिवाइस का मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ओवरव्यू एंड मैनेज। ओवरव्यू में सबसे पहले ऑप्शन में आपको ये बताया जाएगा कि आपने अपने फोन में कोई हार्मफुल ऐप इंस्टॉल किया हुआ है या नहीं। इसके नीचे सेकंड ऑप्शन में आपको आपने जो ऐप्स अपने फोन में इंस्टॉल किए हुए हैं उनमें से किस ऐप का अपडेट अभी अवेलेबल है ये बताया जाएगा। आप इस पर क्लिक करके उन एप्स की पूरी लिस्ट देख सकते हैं जिनको अपडेट करने की जरूरत है। तीसरे ऑप्शन में आपके द्वारा फोन में इंस्टॉल किए हुए एप्स ने कितना स्टोरेज लिया हुआ है यह दिखाया जाएगा। इस पर क्लिक करके आप सब एप्स का अलग अलग यूज किया हुआ स्टोरेज देख सकते हैं। चौथे नंबर पर आपको एप्स शेयर करने का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप किसी ऐप को सेंड या रिसीव कर सकते हैं। पांचवे नंबर पर रेटिंग्स एंड रिव्यूज का ऑप्शन है, इसमें आप किसी ऐप या गेम को रेटिंग देकर उसका रिव्यू लिख सकते हैं। और आपने पहले से यदि रिव्यू दिया हुआ होगा तो वो भी यहाँ पर पोस्टेड के ऑप्शन में दिख जाएगा। तो यह था ओवरव्यू ऑप्शन। और अब दूसरा ऑप्शन है मैनेज, इसमें आप एक साथ कई सारे ऐप्स को अनइंस्टॉल या डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको इस लिस्ट में सिर्फ गेम्स को देखना है जिन्हें आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको इस गेम्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ओनली आपके द्वारा इंस्टॉल किए गए गेम्स की ही लिस्ट आएगी। तो ये था गूगल प्ले स्टोर का मैनेज एप्स एंड डिवाइस का पूरा रिव्यू। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्निकल राज स्वामी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें।